Now the question comes, how do I approach audit in last one and a half day? What should be your simple approach? Now, the biggest challenge is, a subject like auditing is so vast, there are in total 13 chapters, and in every chapter, ICI has given a good weightage. So the problem for a student is, सर विथ चैप्टर डू आई स्टार्ट विथ पहले दिन में क्या क्या चैप्टर्स बेर मिनिमम मैंने कवर करना चाहिए व्हाट शुड आई लीव फॉर द सेकंड डे फिर लास्ट डे ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेरे को बेर मिनिमम क्या और रिवाइज करके जाना चाहिए ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो एक बच्चे के दिमाग में जेन्यनली हमेशा एज अ कंसर्न रहती है तो मैं डायरेक्टली आपको पूरा अप्रोच बताता हूं एक बार डिटेल के अंदर एक चीज और इफ वेर एवर यू फील यू नो वॉइस इज नॉट क्लियर और आई यू फीलिंग एनी चैलेंज प्लीज ड्रॉप मी मैसेज इन द चैट बॉक्स आई लुक इन इट Otherwise, we'll get started. You can raise your hands to confirm and then we'll continue. Perfect. Great. When I talk about auditing, I'm sure by now, if you're going to write the exam after literally 13 days, you are aware that from a 100 mark paper point of view, your 30 marks is MCQ. 14 marks is correct, incorrect, and then for remaining 56 marks, that means your 30 MCQ, 14 correct, incorrect. Bacha 56 marks is my pure subjective questions, theoretical descriptive questions. Now, how do I make a proper approach towards MCQ, correct, incorrect, and the descriptive questions? फर्स्ट थिंग फर्स्ट एमसीक्यू और करेक्ट इन करेक्ट के लिए कुछ भी स्पेशल करने का जरूरत नहीं है आईसीआई के कुछ सजेस्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं करेक्ट इंग करेट के लिए मैंने कुछ कंपाइलेशन क्वेश्चन आपको पहले भी यू नो प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर इस वीडियो के लिंक के बाद में भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगर आपने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा नॉर्मली क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है अदरवाइज एमसीक्यू करेक्ट इंग करेक्ट के लिए कुछ सेपरेट प्रिपरेशन करने के बजाय पूरा सिलेबस को ही बेटर कवर करना चाहिए दैट मेक्स मोर सेंस तो अभी अगर मुझे पूरा सिलेबस ही कवर करना है तो सर मैं शुरुआत कहां से करूं ऑडिटिंग एट अ इंटरमीडिएट लेवल यू कैन एक्सपेक्ट अप्रोक्सिमेटली फिफ्टी टू सिक्स वेटेज फ्रॉम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अब आप बोलेंगे सर क्या मैं ऐसे से 720 तक जो आपके सिलेबस में, में क्या सारे ऐसे पढ़ना शुरू कर दूं वो अप्रोच एग्जाम के एक दिन पहले सेंसेबल नहीं होगा वु इसके पास में आईसीआई का मॉड्यूल रहेगा या रेस्पेक्टिव टीचर्स के मॉड्यूल्स रहेंगे अगर आप टीचर्स के कोई भी मॉड्यूल में या आईसीआई के मॉड्यूल में जाएंगे आपको टोटल थर्टीन चैप्टर्स मिलेंगे इस थर्टीन चैप्टर्स में से जो आपका चैप्टर वन है चैप्टर टू हो गया चैप्टर थ्री थोड़ा सा चैप्टर फोर का पार्ट भी अप्रॉक्सिमेटली उसके अंदर भी एक ऐसे कवर्ड है मतलब आईसीआई ने 200 से 720 सारे के सारे एसेज अप्लाई करने के बजाय आपको उन एसेज में से कुछ कुछ चैप्टर बना के दे दिया लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा चैप्टर नंबर वन है उसमें इंपॉर्टेंट एसेज कौन सा हो गया टू हो गया टू हो गया टू हो गया फिर अगर मैं चैप्टर नंबर टू के अंदर जाऊंगा वहां प्लानिंग सीरीज के एसेज है दैट इज ऐसे थ्री हो गया एंड थ्री हो गया जो डिटेल में आता है फिर ऐसे ही सिमिलरली चैप्टर थ्री रहेगा फोर रहेगा 5, 7, 8 रहेंगे। तो आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको बताता सबसे पहले अब हिसाब से, तो से मेरे पास में कौन कौन सा एस ए है टू हंड्रेड है टू वन जीरो क्वेश्चन में से कुछ आने वाला है या चैप्टर वन में थोड़ा जनरल टॉपिक्स भी है फॉर एग्जाम्पल स्टैट्यूटरी ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी केप्ट इन माइंड तो मैंने क्या किया है एक लिस्ट बना के दिया है सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का इफ यू डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ स्टार्ट तो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो जहां पर चैप्टर वन के अंदर आप देखेंगे सारा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना करके दिया है आई विल शेयर दिस विद यू ऑल आफ्टर द सेशन आई लास्ट द होस्ट एंड द को होस्ट टू शेयर दिस पी विद यू ताकि आपको हैंडी मिलेगा कि चैप्टर वन में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है अगर आप ये टॉपिक बाई टॉपिक जाएंगे तो आपका टू हंड्रेड टू वन जीरो टू ट्वेंटी भी कवर हो जाएगा एंड पता है क्या जब आप चैप्टर वन पढ़ रहे हैं डोंट थिंक लाइक दिस कि मेरे को ऐसे टू वन जीरो जो अग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उस ऐसे में क्या क्या आता है डोंट ट्राई टू थिंक लाइक दिस उल्टा सोचो वन जीरो में आईसीआई आपसे क्या पूछ सकता है लाइक like फॉर वो आपको पूछ सकता है प्री फॉर एन ऑडिट क्या होता है या सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर मैनेजमेंट हमें रिक्वेस्ट करता है टू रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए मतलब थिंक लाइक द वे आईसीआई गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन और फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रेपरेशन शुरू करो कि टू वन जीरो में ये तीन चार टाइप का क्वेश्चन आ सकता है ये टू हंड्रेड में इस तरीके का क्वेश्चनिंग आ सकता है ये अप्रोच फॉलो करो इससे तुम्हारा प्रेपरेशन फास्ट होगा बेटर होगा और यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो दैट इज माई रिकमेंडेशन नंबर वन तो चैप्टर वन से शुरुआत करो जिसमें आपके तीन एस एस टू हंड्रेड टू वन जीरो पर आपका थ्री हंड्रेड एंड थ्री ट्वेंटी दैट इज ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियालिटी एस तो एस कवर करके दिया है छोटा सा चैप्टर है फोकस करोगे डायरेक्टली 300 में प्लानिंग में आपको मालूम है, 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 है। क्या -क्या सकते हैं मटेरियलिटी का रिलेशनशिप क्या है विद ऑडिट रिस्क इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चनिंग आपसे किया जा सकता है तो उस तरीके से आपने उसको अप्रोच करना चाहिए

फाइव हंड्रेड दॉक्यूमेंटेशन ऑन एविडेंस के अलावा यू हैव फाइव जीरो फाइव यू हैन जीरो यू एफ दे सिक्सटी सेवेंटी एटी ऐसे डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं क्या करने का चैप्टर थ्री में ज्यादा फोकस करने का डॉक्यूमेंटेशन पे एंड एविडेंस वाले स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट पिक कर लिया 505 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया आइडियली दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर चैप्टर नंबर थ्री हर बच्चे ने बेर मिनिमम एडवांस अकाउंट के बाद में चैप्टर वन टू थ्री मिनिमम करके सोना चाहिए आइडियली अगर

चैप्टर फाइव चैप्टर सेवन एंड चैप्टर एट ये जो तीन चैप्टर्स हैं, दैट इज माय एस ए टू फोर्टी माई एसे फाइव ट्वेंटी एंड एसे फाइव थर्टी ये तीन ऐसे चैप्टर्स है बेटा जिनमें से नॉर्मली जिन हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आता ही है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं रात्र बोलूंगा बिफोर स्लीपिंग अगर आपके पास एडवांस अकाउंट्स के बाद टाइम बचता है तो आपने इन चैप्टर्स में से कोई भी एक दो चैप्टर को कवर करने का ट्राई करना चाहिए साइकोलॉजिकली आपका मेजर पार्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रात को ही कवर हो जाएगा बिफोर यू स्लीप दिस शुड बी योर बेर मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑन द फर्स्ट डे दैट इज आफ्टर राइटिंग द एडवांस अकाउंट्स पेपर अगर कोई बच्चा सही में लिटरली उस रात को पुश कर सकता है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं बोलूंगा चैप्टर वन टू थ्री फाइव सेवन एट इतना आपने करना चाहिए इसके बियॉन्ड आपने ट्राई नहीं करना चाहिए क्योंकि स्पेंड करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट डे डे आपका एफिशिएंसी और खराब हो जाएगा अब सर मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए नेक्स्ट डे अज्यूमिंग आपने वन टू थ्री खत्म किया है एंड चैप्टर नंबर फाइव एंड सेवन खत्म किया है तो ऑब्वियसली आप चैप्टर नंबर एट पे जाओगे जो हमारा ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर वाला ऐसे है फाइव ट्वेंटी इसके बाद में 6 पे जाने का चैप्टर सिक्स इन एन ऑटोमेटेड किया मान के चलो चैप्टर सिक्स क्वेश्चन आएगा पेपर में आसानी से अप्रोच कर पाओगे देखो इनजेक्ट लाइक ऑडिट बिगेस्ट चैलेंजेस बेटा वो जो 56 वाला पेपर होता है ना उसमें हर क्वेश्चन में चार पार्ट होता है like दो, चार के दो तीन तीन मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, तो के है, करने है for 56 तो बच्चा बहुत टेंस हो जाता है और इसीलिए वो जो कुछ चैप्टर छोड़ के जाता है ना उसमें से अगर मुझे एक भी क्वेश्चन दिख गया यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल प्लस आपको वो उन पांच ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को यू you नो know, छोड़ना भी पड़ता है राइट यू हैव टू फाइंड एन क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो तो वो डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है बिकॉज अगर आपने चैप्टर छोड़ा होगा उसके अराउंड एक भी क्वेश्चन क्वेश्चन लिटरली के बीच में रहा तो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है इसीलिए वैसा मत सोचिए आपको बता रहा हूं कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है सारे चैप्टर्स कवर करने हैं और हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर करते हुए चलना है डोंट ट्राई टू स्पेंड टू थ्री आवर्स ऑन एनी चैप्टर सिंपल फॉर रूल है वन वन एंड हाफ आवर के बियॉन्ड कोई चैप्टर पे स्पेंड नहीं करने का है अगर वैसा ही प्रोसेस रखा तो ही जाके पूरा सिलेबस कवर होगा तो ही जाकर के इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस होगा और शायद आप आसानी से कंफर्टेबली पेपर को अप्रोच कर पाएंगे इस तरीके से आपने सोचना है और तो ठीक लग रहा है आपको अच्छा तो सर चैप्टर वन टू थ्री फाइव एंड सेवन एडवांस अकाउंट्स के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग चैप्टर एट चैप्टर सिक्स मतलब वन टू एट में सब खत्म हो जाना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट टाइम तक एक्सेप्ट चैप्टर नंबर फोर इज आर क्लियर टू यू इसके बाद में मैं बोलूंगा गो टू चैप्टर नंबर इलेवन ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर आसान चैप्टर है टाइम लगता है

एम पैराग्राफ इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो सकता है तो चैप्टर इलेवन ऑडिट रिपोर्ट वाला है यहां पर थोड़ा स्पेशल फोकस रखना कारो के ऊपर किसके ऊपर कारो पे अब बेटा कारो पे ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सिर्फ फॉर्म होता है

सेक्शन 138 से 148, इंक्लूडिंग सेक्शन 177, इतना सा सिलेबस है लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा एग्जाम ऑलरेडी लिख के आए हो लॉ का 138 थर्टी एट से वन फोर्टी रिवाइज करना और इजी रहेगा थोड़ा दिमाग लगा के फोकस करना सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट वाला इंपॉर्टेंट है 140 रिमूवल रेजिग्नेशन वाला पॉइंट फिर वन फोर्टी थ्री पावर्स एंड ड्यूटी मैंने आपको एक लिस्ट भी बना के दिया है कि हर सेक्शन में कौन से सब सेक्शन पे आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए यहां पर आप अप्रोच कर सकते हो दिस विल बी योर चैप्टर नंबर टेन का अप्रोच वंस योर चैप्टर टेन इज डन अब आपके लिए टास्क बचता है चैप्टर नाइन चैप्टर नंबर ट्वेल्व एंड चैप्टर थर्टीन ऑनेस्टली अब देखो मेरे क्लियर बात बोलता हूं आपको ट्वेल्थ जो चैप्टर है ना वो है आपका बैंक ऑडिट इसका मैक्सिमम वेटेज जो है वो पांच से छह मार्क का है मतलब एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है मैं बोलूंगा इसको एक बार होल्ड पे डालना ज्यादा फोकस करना चैप्टर थर्टीन के ऊपर एंड चैप्टर नाइन के ऊपर और आपको ऑनेस्टली बोलो क्या थ इज मोर स्कोरिंग ऐसा लगता है डेंजरस है है बहुत वास्ट बट एक्चुअली में दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है पहले क्या करने का बैलेंस शीट असर्शन क्या होते हैं इनकम स्टेटमेंट असर्शन क्या होते हैं मीनिंग समझने का वो असरशन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आपके मॉड्यूल्स में वो पढ़ने का उसके बाद में सीधा क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन आई से मुझसे पूछ सकता है जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मली कोई भी आप एक्सपेंसेस का वाउचिंग कर रहे हो क्या एट्रीब्यूट्स पे फोकस करोगे ये मेरे को पता है बहुत कॉमन क्वेश्चन है फिर सर अदर इनकम नॉर्मली एक कंपनी में आप चेक कर रहे हो तो उसमें क्या क्या आते हैं? उनको फिर सर, के minimum, क्या आपने चेक करनी चाहिए तो जो इस एग्जाम के लिए थोड़े ज्यादा रेलिवेंट है उन पहले का करना। इसमें चाहिए तो एक घंटा स्पेंड करना क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन नॉर्मली चैप्टर नाइन में से दो क्वेश्चन आते हैं चार चर्मा के लिए दो या फोर प्लस थ्री सेवन सो मतलब इट हैज अ गुड वेटेज ऑफ सेवन टू टेन मार्क्स इंडिपेंडेंटली और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है ना एक्चुअली में बहुत ईजी होता है बस बच्चा ना वो चैप्टर वास्ट होने की वजह से छोड़ देता है बराबर से प्रिपरेशन नहीं करता है दैट इज वाई बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग फॉर देम बट एक्चुअली में पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन ढंग से पढ़ा असर्शन पढ़ के रखा तो फिर रिसिवेबल चेक करने के लिए जनरल आंसर लिखना बहुत इजीली पॉसिबल होगा फिर प्रॉपर्टी ब्लॉन्ड एंड इक्विपमेंट में एडिशंस डिलीशंस वाला पार्ट से चेक करोगे ये आंसर भी लिख पाओगे आप तो फिर जाकर के जनरल क्वेश्चन कि ऑडिट ऑफ पेबल कैसे होता है ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री कैसा होगा बोरोइंग कैसा होगा फिर इन पॉइंट्स पे आप फोकस करना रिमेंबर बेटा आपको वो जो तीन चार पेज का प्रोसीजर लिख के दिया है पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है इट्स गोइंग टू बी अ फोर मार्क क्वेश्चन यू नीड टू जस्ट राइट फाइव टू सिक्स पॉइंट्स विच आर क्लोज टू आईसीआई मॉड्यूल अब सिंपल है रिस्यूएबल चेक करने का मेरे को तो कहना इसे रिस्यूएबल के रिगार्डिंग मैंने एजिंग एनालिसिस करना ही पड़ेगा एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा Receubles के रिगार्डिंग आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाए बनाए कि नहीं वो देखना पड़ेगा मतलब बेसिक सा चीज है अगर थोड़ा भी आपको क्लैरिटी है सोच करके लिखोगे आपका आंसर का प्रोसीजर जो कंटेंट है ऑलमोस्ट आईसीआई मॉड्यूल से मैच होगा इट वॉन्ट बी ए प्रॉब्लम चैप्टर नाइन इज अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रॉन्ग यू आर टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट अगर है तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा चैप्टर so, नाइन के बाद में फिर आपने जाना चाहिए चैप्टर नंबर थर्टीन की तरफ अब थर्टीन का भी सेम प्रॉब्लम है यहां पर ना मेरे पास में तीन कैटेगरीज है एक है ऑडिट ऑफ आपका जो गवर्नमेंट ऑडिट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर आपका याद है क्या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट कॉन्सेप्ट आएगा ऑडिट ऑफ सैंक्शंस ऑडिट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्टी ऑडिट क्या है परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है इंपॉर्टेंट एरिया है वहां फोकस करना चाहिए नंबर बी देर कैन बी ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये एक जमाने में फाइनल का सिलेबस था उन्होंने फिर इंटर में इंक्लूड कर दिया कॉपरेटिव सोसाइटी के, के केस में बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एक मल्टी स्टेट सोसाइटी सोसाइटी या नॉर्मल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फॉर्म में क्या क्या मेंटेन करना चाहिए उनका ऑडिट रिपोर्ट का जो कंटेंट है उसमें क्या अलग होता है आइडियली फिर सर अगर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करवाने का है फॉर अ मल्टी स्टेट सोसाइटी तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा पावर किसके पास में ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं थोड़ा फोकस करोगे तो पांच सात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर अगर दबा लगाया सर स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार कब दिया जाता है थोड़ा उस तरीके से क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आपने देन कम्स पार्ट सी दैट्स योर मिसलिनियस ऑडिट्स ये मिसलिनियस ऑडिट्स में आएगा, आएगा आपका यू you नो know, ऑडिट ऑफ अ होटल ऑडिट ऑफ अ अपरेटिव सोसाइटी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछेंगे ना वो है ऑर्डिट ऑफनरशिप फॉर्म ऑर्डिट ऑफ एल एल पी एंड ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी इन तीनों पर ज्यादा फोकस करना बाकी अगर आपने एक बार रीडिंग करके भी छोड़ दिया इट इज मोर देन सफिशियंट जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो टाइम कम लग रहा है अगर तो मैं बोलूंगा ए और बी ढंग से पढ़ना सी के अंदर सिर्फ लोकल बॉडी पार्टनरशिप एंड एल एल पी इतना पढ़ के छोड़ देना अगर आपको लग रहा टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा बस ए बी सी में से सिर्फ पार्टनरशिप एल एल बॉडी पढ़ा छोड़ दो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है वो होटल आप जनरली भी आंसर लिखेंगे आपका आंसर मैच हो जाएगा मैंने एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा के दिए थे कि नॉर्मली ऑडिट शुरू करने से पहले जनरल आंसर में आप ऐसे पांच छह पॉइंट लिख सकते हैं वो भी अगर आप लिख देंगे इट्स मोर देन सफिशियंट डोंट वरी अबाउट इट दैट शुड बी योर अप्रोच तो टेक्निकली चैप्टर तक आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डिनर टाइम तक हो जाना चाहिए मतलब रात को आठ नौ बजे जब आप खाना खाने वाले हैं तब तक ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा सिर्फ दो चैप्टर बाकी है फोकस करने के लिए कौन कौन सा एक तो है चैप्टर नंबर फोर इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर यू गेट माई पॉइंट एंड मे भी हो सकता है बीच में कोई तो ऐसे के अंदर में खो गया होगा लेट्स से 320 वाला पार्ट मेरे को वीक लग रहा होगा मतलब कोई तो ऐसा पेंडिंग टॉपिक जो आपने साइड लाइन कर दिया होगा कारो साइड लाइन कर दिया होगा मतलब इस तरीके से शेड्यूल थ्री का डिस्कलोजर रिक्वायरमेंट साइडलाइन कर दिया होगा ऐसा मिस्टीरियस टॉपिक जो साइडलाइन कर दिया होगा वो बचना चाहिए मतलब द ऑब्जेक्टिव इज बिफोर स्लीपिंग एक बार चैप्टर फोर दैट इज चैप्टर इंटरनल कंट्रोल ऐसे थ्री वन फाइव का टॉपिक्स दिया हुआ है थ्री वन फाइव में जो क्लास में नोट्स लिखवा के दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग दी है पहले उसको पढ़ना बराबर से उसके बाद मिस्टीरियस टॉपिक्स के ऊपर जाना जो मैंने आपको एक लिस्ट के फॉर्म में दिया है आइडियली दिस शुड बी योर इन जनरल अप्रोच टुवर्ड्स चैप्टर वन टू थर्टीन देखो ये मैंने बार बार बोला है फोर्थ को बाद में करो बैंक ऑडिट को लास्ट में करो क्यों द रीजन बींग जिन चैप्टर का मुझे पता है वेटेज कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है वहां बच्चे को ना डिमोटिवेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है इसीलिए फोकस उन चैप्टर्स पे करो जहां पर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आसान है पढ़ना आसान है एंड यू लाइक द चैप्टर इससे थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे एंड वन डे बिफोर द एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है शुड बी मेंटली कॉन्फिडेंट देपर टेटा वेन यू रीड द पेपर एंड इफ यू डोट नो वन आर टू क्वेश्चन एंड दे आर क्वेश्चन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नेगेटिव फील करते हो वो चीज पेपर और टफ बना देती है एक्चुअली में पेपर को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप एम सी क्यू करेक्ट इंग करेक्ट या पूरा फिफ्टी सिक्स मार्क का पेपर देखोगे चालीस से पचास रहना मुश्किल नहीं है डू यू गेट माई पॉइंट बट जो बच्चे का एक्सपेक्टेशन है दैट मैं पूरा हंड्रेड मार्क का बराबर से लिख के लाऊंगा उस एक्सपेक्टेशन में जब दो तीन क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो उसने स्किप किए होते हैं तो उससे थोड़ा वो डीमोटिवेटेड फील करता है तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर जाना हर चैप्टर को कवर करना बट जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर करो उसे ज्यादा डिटेल में कवर करो दैट शुड बी योर नॉर्मल अप्रोच इन जनरल फॉर वन एंड हाफ डे लास्ट डे द एग्जाम डे मेरे हिसाब से ऑनेस्टली सिर्फ हर चैप्टर में एक या दो जो आपके इंपॉर्टेंट एरिया थे जो आप आपको मालूम थे कि भाई लेट्स से मेरे को यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट उसमें तीन पॉइंट है वो एक, एक आध पॉइंट याद नहीं आता सर वो मेरे को बताया आ सकता है अच्छा क्वेश्चन है मेरे को लास्ट डे याद नहीं रहेगा उसको रीड किया छोड़ दिया मतलब डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग ओनली दोस्ट टॉपिक्स जहां मेरे को लगता है सर थोड़ा सा मुझे रिकलेक्ट करने में टाइम लग रहा है थोड़ा मेरे को फोकस कर लेना चाहिए बस वो टॉपिक्स को ही आपको टच करने का है उनको ही अप्रोच करना है दैट विल एक्चुअली हेल्प यू लास्ट डे टू गेन मोर कॉन्फिडेंस मे बी कारो क्लॉज नंबर एक बार याद करने का है, तो लास्ट डे याद कर लो सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर लास्ट डे याद करना है तो कर सकते हो ऐसे नंबर याद नहीं है चलेगा मेजोरिटी आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स में कहीं कहीं उन्होंने भी खुद ऐसे नंबर्स नहीं लिखे

उसके चक्कर के अंदर सिलेबस कवर नहीं किया तो लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा इससे बेटर है उतना एफर्ट मैंने चैप्टर पर डाल दिया तो ज्यादा बेटर आउटकम आ जाएगा दैट विल मेक मोर सेंस अकॉर्डिंग टू मी सो दिस इज योर इन जनरल अप्रोच फॉर ऑडिटिंग अब कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको देना चाहूंगा वेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर दिस वॉज योर प्रेपरेशन पार्ट अब मैं बात कर रहा हूं पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्या फोकस करना चाहिए मैं बार बार ये चीजें बोलता हूं एक बार फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए होपफुली हेल्पफुल रहेगी देखो बेटा जो रीडिंग टाइम होता है ना ऑडिट में इन रीडिंग टाइम डोंट रीड एंड ऑल्सो डोंट रीड करेक्ट इन करेक्ट क्वेश्चन पढ़ने का ही नहीं क्योंकि मैं नॉर्मली कैसे बोलता हूं आपके थ्री आवर्स आफ्टर रीडिंग टाइम फर्स्ट आवर के अंदर आपको खत्म करने का है एमसीक्यू करेक्टिंग करेक्ट करेक्ट मतलब लिटरली आपका थर्टी प्लस फोर्टी फोर मार्क का जो पेपर है लॉजिकली वो फर्स्ट आर में खत्म होना चाहिए तो जब पहले घंटे में मेरे को क्वेश्चन क्वेश्चन बाय एमसीक्यू पढ़ना ही है अप्रोच करना ही है करेक्टिंग करेक्ट पढ़ के सॉल्व करना ही है तो अननेसेली रीडिंग टाइम में उसे पढ़ के क्या फायदा प्लस हो सकता है एक आध एमसीक्यू बहुत ट्रिकी हो केस स्टडी बहुत ट्रिकी हो उसके वजह से आपको बाकी पेपर में डिमोटिवेशन हो जाए इसके बजाय मैं उल्टा बोलूंगा एमसीक्यू करेक्ट इंग करेक्ट रीडिंग टाइम में पढ़ने का ही नहीं सीधा जो बचा फिफ्टी मार्क वाला पेपर है ना उसे पढ़ने का और उसमें ना आइडेंटिफाई कर लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिटरली ऐसा मान के चलो फोर्टीन फोर्टीन मार्क्स एम श्योर यूर अवेयर राइट आपको मैंने पेपर्स दिखाए भी थे पहले भी एक एक बार फिर से देता पेपर कोई तो रेफरेंस के लिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए देखो नॉर्मली पहला आपके पास करेक्ट इंग करेक्ट क्वेश्चन रहेगा करेक्ट इन करेक्ट टोटल 14 मार्क्स के लिए होता है अब आप नोटिस करेंगे फोर्टीन मार्क्स आपको सात क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बट एक्चुअली में क्वेश्चंस रहते हैं आठ मतलब करेक्ट इन करेक्ट में भी एक ऑप्शन रहता है बराबर है। इसके अलावा इफ यू सी क्वेश्चन मतलब करेक्ट इन करेक्ट के बाद में लिटरली हर क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए रहने वाला है एट प्लस सिक्स फोर्टीन मार्क्स के लिए मतलब लिटरली क्वेश्चन टू थ्री फोर फाइव सिक्स

सोलह क्वेश्चन पूछना है लो कि आउट ऑफ दीज फाइव कौन सा चार्ज मेरे को अटेम्प्ट करने का है वो डिसीजन तब का तब ले लो और सीक्वेंस भी बना लो कि मैं पहले क्वेश्चन टू करूंगा क्वेश्चन फोर करूंगा फिर सिक्स पे जाऊंगा मतलब जो क्वेश्चन कॉन्फिडेंट टू वो मेरा सेकंड आर में होना चाहिए मतलब सर जो मेरा फर्स्ट आर है आर वन आई विल फिनिश एम सी क्यू प्लस करेक्ट इंड करेक्ट माई आवर नंबर टू आई विल फिनिश टू क्वेश्चन एंड देन माई आवर थ्री आई विल फिनिश रिमेनिंग टू क्वेश्चंस दिस शुड बी योर अप्रोच और सिंपल है जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला है वो इधर होना चाहिए कवर ताकि ये दोनों घंटे के अंदर ही शोर हो जाए कि पास तो होने वाला है मैं तो इससे तेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर इन दीज टू क्वेश्चन टाइम मिलेगा थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा और तू तो सोच समझ के बढ़िया से लिख पाएगा दिस शुड बी योर इन जनरल अप्रोच फॉर प्रेपरेशन एंड अटेम्प्टिंग द पेपर आईडियली डू यू हैव एनी डाउट इन दिस यू हैनी डाउट यू कैन मैसेज मी ऑन द चैट बॉक्स लेटमी लुक एट द डाउट फिर हम ए पे जाएंगे Any doubts, guys? No doubts. Is everything crystal clear to everyone? Sir, are these important topics enough? फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू देखो टू कवर टॉपिक करके जाने का तुझे लगता है और टाइम है तेरे पास में तुम बचावा पार्ट भी पढ़ सकता है इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज बेनिफिशियल मतलब यह बोलना किसी भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल रहेगा कि यार नहीं सिर्फ इतना ही पढ़ ले पूरा पेपर इसमें से आएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन जनरल 80 टू 90 परसेंट इसके अराउंड रहेगा इतना मैं बोल सकता हूं इन जनरल बात समझ में आया क्या दैट कैन बी योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी सो इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन रेफर टू द रिमेनिंग टॉपिक्स बट दीज आर मोर प्रायोरिटी टॉपिक्स क्या मुझे पूरा ऐसे मॉड्यूल पढ़ने का जरूरत है बिल्कुल नहीं क्या करने का हमारे जो द फॉलोइंग माई नोट्स स्टार्ट विद मॉड्यूल टू अब मॉड्यूल टू में कोई चैप्टर में लिखा है ये ऐसे को रेफर करो जैसे मेरे मॉड्यूल नंबर टू में लिखा होगा चैप्टर नंबर टू के लिए रेफर ऐसे थ्री हंड्रेड एंड थ्री ट्वेंटी तो सिर्फ दो ही ऐसे ऐसे मॉड्यूल में जाने का क्लास नोट्स में जो लिखा वो पढ़ने का और ऐसे मॉड्यूल पढ़ने का दैट्स इट ऐसे मॉड्यूल उन्हीं ऐसे के लिए रेफर करो जहां पर मैंने मॉड्यूल नंबर टू में बोला है कि इस ऐसे में जाने का जरूरत है अदरवाइज जितना आपको मॉड्यूल टू में लिख के दिया है क्लास नोट्स में लिख के दिया है मेजोरिटी सफिशियंट है ऑलमोस्ट लास्ट डे के लिए मैं बोलूंगा क्लास नोट्स मॉड्यूल टू देन सफिशियंट और बोलिए ग्रेट शुड स्टार्ट विथ ईआईम नाउ सर लास्ट डे क्वेश्चन रेफर करना चाहिए क्या शुड वी रीड ओनली क्वेश्चन आंसर्स ऑन लास्ट डे रिस्की अप्रोच क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल ना प्रेपरेशन अभी जब कर रहे हो तो रेलेवेंट है इसमें भी क्या करने का ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके रख का लास्ट डे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना रिस्की है इसके बजाय जो मैंने लिस्ट बना के दिया है आप नॉर्मली वो टॉपिक सारे कवर कर लो यू विल फील मोर कंफर्टेबल इफ एनी वन बिलीव नहीं सर मैंने सारे कर 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 वो सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके रखे लास्ट डे वही पढ़ लूंगा न गो हेड विथ दैट बट देर इज अ लिटिल रिस्क द रीजन बींग एमसीक्टिंग करेक्ट के लिए सिर्फ क्यू एन ए पढ़ना रिस्की होता है इसलिए मैं रेफर हमेशा यही करता हूँ रेफरेंस के साथ साथ मैं हमेशा रिकमेंड यही करता हूं कि मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर चलते जाओ तो थोड़ा बेटर प्रिपरेशन हो पाएगा ठीक है ये आई विल आस्क दॉर्डिनेटर टू शेयर दीज पीडीएफ वरी अबाउट इट इट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड सोशल मीडिया हैंडल्स विल शेयर द लिंक विथ यू डोट वरी

अब मेरे को ये बताओ ऑडिट के बाद में पहले ई से शुरुआत करना चाहिए या एस से शुरुआत करना चाहिए देखो वैसे कोई आंसर नहीं है किधर से भी शुरुआत कर सकते हो पर मैं रेकमेंड नॉर्मली करता हूं स्टार्ट रीजन क्या है उसके पीछे बोलता हूं ईआईएस का चैप्टर ना इंडिपेंडेंटली काफी वास्ट है एसएम का चैप्टर चैप्टर नंबर टू छोड़ दो अगर आप बहुत छोटे छोटे चैप्टर है लिटरली जैसे एसएम का चैप्टर वन में गए क्या क्वेश्चन पूछ लेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है लिमिटेशन क्या है समझ रहे हो कॉर्पोरेट लेवल लीडर क्या बोलता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं या चैप्टर के अंदर आपको पूछ लेगा स्ट्रेटजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव कमेंट करके दो इसके ऊपर या सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है मतलब घिना चुना पांच छह टॉपिक है जिसपे हायर साइड क्वेश्चन आता है सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है ऐसा देखने जाऊंगा तो टोटल तो तो मेरे पास में आठ प्लस पांच थर्टीन चैप्टर्स हैं वो फियर कम करने के लिए स्टार्ट विथ एस एंड फर्स्ट डे मैं आपको बोलूंगा डायरेक्टली मतलब ऑडिट के पेपर के बाद में एक डेढ़ घंटे का ब्रेक लिया बढ़िया आपने अर्ली डिनर कर लिया मे बी प्रेफरेबली ऑन डे ट्राई टू कवर एज मेनी चैप्टर पॉसिबल अब सर बहुत वास्ट है यार. उसमें सर बीसी है एनसॉफ्ट भी है वैल्यू चेन अनालिस भी है क्या क्या पढ़ू सर मैं ठीक है काम कर चैप्टर टू को साइड में कर दे चैप्टर वन पढ़ थ्री पढ़ फोर फाइव सिक्स खत्म कर मतलब मैं बोलूंगा मिनिमम टारगेट शुड बी फाइव चैप्टर्स ऑफ एस एम बिफोर यू स्लीप पॉसिबल है एस एम थोड़ा सा एफर्ट डाला हुआ है आइडियली छह चैप्टर होते तो भी उड़ा देना चाहिए क्यों बोलता हूं एस एम का लैंग्वेज कंपेरेटिवली आसान है और आप ना वो एक दिन पहले पढ़ोगे तो एक दिन के ब्रेक के बाद में भी बेटर लिख पाओगे ईआईएस का जो लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है थोड़ा टेक्निकल है कंपेरेटिवली सो रीडिंग ईआईएस कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग इन कंपैरिजन टू एसएम इन जनरल एंड एसएम का लैंग्वेज ना आपके थोड़े बीसीके से मैच होता है ओसीएम से मैच होता है कॉमर्स से बिजनेस स्टडीज से मैच होता है थोड़ा सा रीडिंग बहुत फास्ट होता है कंपेरेटिवली बट इधर एक गलती भी होती है इसी वजह से बच्चा ना ढंग से पढ़ता भी नहीं है कभी कभी कि फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मिक्स है क्या ही पढ़ने का यार इतनी बार पढ़ा हुआ है अरे एक बार आईसीआई मॉड्यूल को पढ़ लो एस के अंदर आईसीआई एक्सपेक्ट करता है आपका लैंग्वेज जो है आंसर का दैट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू मॉड्यूल लैंग्वेज EIS में सिर्फ हेडिंग भी मैच हुआ तो चल जाता है एस साथ में कंटेंट भी थोड़ा क्लोज होना चाहिए इसीलिए वाले हो आफ्टर ऑडिट पेपर तो पांच छह चैप्टर आराम से खत्म होता है कॉन्फिडेंट भी फील करोगे हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए मत जाओ सेम वही स्ट्रेटेजी चैप्टर वन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं चैप्टर टू दीज आर लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसा ऑडिट के लिए प्रिपेयर किया है वैसे ई आई एस के लिए भी प्रॉपर लिस्ट बना करके दिया है रेफर कर सकते हो आपके पास खुद का लिस्ट है वो रेफर कर सकते हो अप्रोच क्लियर होना चाहिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते जाने का है डोंट ट्राई टू गेट स्टक इन दर चैप्टर इफ यू गेट स्टक लास्ट डे आप जब टाइम मिस करोगे वेस्ट करोगे आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाओगे प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाएगा इसीलिए क्लियर है कि भाई पांच से छह चैप्टर एसएम का बेर मिनिमम कंप्लीट करने का है ऑब्वियसली एफिशिएंसी के साथ में हो रहा है तो ही करने का है बहुत ही इनएफिशिएंसी हो रही है तो ऑब्वियसली सो जाना चाहिए रादर ऑडिट का भी अप्रोच मैंने आपको ऐसा बताया था दैट यू स्लीप एग्जाम के एक दिन पहले रात को साढ़े ग्यारह बारह तक डोंट ट्राई टू सिट टिल फोर फाइव टोकॉक इन द मॉर्निंग बिकॉज ऑफ विच पेपर के अंदर इन इफिशियंसी बढ़ जाती है और पेपर के बाद में अगले पेपर का प्रिपरेशन का इनफिशियंसी भी बढ़ जाता है एक एडवाइस दे रहा हूं अलग से अगर आप में से कुछ बच्चों का अभी भी आदत रात को बारह से लेकर सुबह छह सात बजे तक पढ़ने का है मेरे हिसाब से पर्सनल डिस्क्लेमर आपने इसको धीरे धीरे ब्रेक करने का ट्राई करना चाहिए आपको पेपर दोपहर में लिखने का है यू हैव टू फाइंड अ वे टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे टाइम इफ यू ट्राइड दिस वन डे और फाइव डे बिफोर द एग्जाम आप बहुत चैलेंजिंग महसूस करोगे बहुत ट्रबल होगा आपको ये आदत ब्रेक नहीं होगी लास्ट मोमेंट पे अभी भी टाइम है आप उस आदत को ब्रेक कर लो रात को टाइम पे सोना शुरू करो दिन में सुबह उठ के पढ़ो आराम से पढ़ाई करो अप्रोच फॉलो करो आफ्टरनून टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है एक आध घंटे के लिए ब्रेक ले लो इफ बिकमिंग वेरी यू नो लेजी फॉर यू गाइस अदरवाइज हैबिट को अभी कभी ब्रेक कर लेना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ठीक है तो सर सिमिलरली एस एम फाइव टू सिक्स कवर करने का है नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा ब्रेकफास्ट तक ऑलमोस्ट मेजर एसएम खत्म करने का है बच्चे तो भी एक आध चैप्टर बचना चाहिए मतलब ऐसा होना चाहिए ऑलमोस्ट इल ट्वेल्व ओ क्लॉक माई एस एम इज सॉर्टेड कंप्लीटली फ्रॉम वन टू एट आसान है एसएम एम चैप्टर बाय चैप्टर जाओ कोई चैप्टर मत स्किप करो हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजों का लिस्ट बना के दिया है उतना भी अगर आपने बेर मिनिमम रेफर किया आप अच्छा कंडीशन में रहोगे ट्रस्ट में एक चीज समझो एस एम में मेरे पास में लिटरली हर चैप्टर का वेटेज कितना है अगर आप देखोगे पचास मार्क के अंदर एस एम के अंदर मेरे को फिफ्टीन मार्क का एमसीक्यू आएगा थर्टी फाइव मार्क का पेपर आएगा थर्टी फाइव मार्केट डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर लिटरली मेरे पास आठ चैप्टर है मतलब मैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं हर चैप्टर से तो आप ये ट्राई करो ही मत ना कि हर चैप्टर का हर एक पार्ट पढ़ रहे हो जो चीज नहीं समझ में आ रहा है मुश्किल लग रहा है ट्रबलिंग लग रहा है छोड़ दो ना थोड़ा तो, तो अपनी किस्मत में विश्वास करो कि शायद वो जो आप छोड़ रहे हो नहीं आएगा डू यू गेट पॉइंट बहुत नेगेटिव सोच के तो फायदा नहीं होने वाला जिंदगी में हाँ किसी को पता है कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है मैं जो छोड़ के जाता हूँ वही आता है तो जो जो छोड़ने वाला था वही पढ़ के चले जाओ भाई एक काम कर मतलब जोक्स पार्ट इन सिंपल टर्म्स थोड़ा रैशनल बिहेव करो एक क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर से डोंट वरी अबाउट इट यू विल बी एबल टू मैनेज उस तरीके से पढ़ाई करो बारह साढ़े बारह तक मेरे हिसाब से अर्ली लंच टाइम जो होगा तब तक तुम्हारा एस हो जाना चाहिए फिर तुमने शुरू करना चाहिए अब में कोई दिक्कत नहीं आता बहुत आसानी से कवर होता है चैप्टर वन टू से शुरू करो वन टू का खत्म किया ना तो सिंपल है ई आई एस में वन सेकेंड ना EIS में 50 मार्क्स एंड इन टोटल आई है मतलब लिटरली अगर आप मुझे पूछोगे फोर्टी परसेंट सिलेबस कवर हो जाता है मेरा तो वापस यह बता रहा हूं चैप्टर बाय चैप्टर जाने का ट्राई करो चैप्टर वन एंड टू देन टू चैप्टर नंबर फोर आपका ई e कॉमर्स वाला चैप्टर इसके अंदर मैंने लिस्ट बना के दिया यहां पर लिस्ट थोड़ा

एंड चैप्टर टू का लिस्ट हो जाएगा आइडियली

ोगे यू विल सर्वाइव डोंट वरी अबाउट इट आफ्टर चैप्टर वन टू फोर कम टू चैप्टर थ्री अब चैप्टर थ्री ना बहुत ज्यादा वास्ट है यहां सिंपल है आपके जो आई टी है उसका समरी बना के रखा है तो भाई समरी जो है वही पढ़ो दिमाग लगाओ मत समरी नहीं है किसी से समरी बोरो कर लो आई एम श्योर हर टीचर ने अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग मी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को क्लास में समराइज करके लिखवा के दिया होगा या किसी ने चार्ट बना के दिया होगा वॉट एवर इट इज उसका कंटेंट बराबर से फॉलो कर लो अंडरस्टैंडिंग आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है अब मेरे हिसाब से एक दिन के पहले अंडरस्टैंडिंग का तो स्कोप है ही नहीं चुपचाप हेडिंग पढ़ो और चले जाओ अंडरस्टैंडिंग करने का टाइम जा चुका है अभी मेरे हिसाब से वन डे बिफोर द एग्जाम यू विल हैव टाइम टू ओनली रिमेंबर थिंग्स एंड गोइंग अहेड फिर चैप्टर थ्री में थोड़ा सा वट इज योर यू कैन से कॉम्पोनेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं फिर थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है टाइप्स ऑफ डीबीएमएस क्या है वो भी थोड़ा आपने पढ़ना चाहिए एंड दैट्स हाउ योर चैप्टर थ्री विल गेट ओवर मोस्टली रात को 10 बजे तक 11 बजे तक आपका चैप्टर वन टू थ्री फोर ए आई एस का हो जाएगा यह टाइम पे गिवअप नहीं करने का है चैप्टर फाइव कंप्लीट नहीं करने का बड़े काम करने का चैप्टर फाइव में जो आसान चीजें हैं जो मेरे को पता है आसानी से कंप्लीट हो जाएगी वो उड़ा देने का अभी चैप्टर फाइव में क्या है कोर बैंकिंग सोल्यूशन है सीबी तो सीबीएस के एग्जाम्पल्स क्या है वो पढ़ लो सीबीएस के फीचर्स क्या है वो पढ़ लो स्टेप्स टू इंप्लीमेंट सीबीएस क्या है वो पढ़ लो फिर उसके बाद में थोड़ा सा इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस क्या होता है वो देख लो फिर लेट से मे बी टाइप्स ऑफ मोटिवेज लोन क्या होते हैं वो देख लो फिर लेट से थ्री स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग देख लो मतलब ऐसा सोचो जो चार पांच टॉपिक मेरे को इजी लगते हैं एटलीस्ट वो तो खत्म कर लेता हूं इससे से साइकोलॉजिकली वेन यू स्लीप यू विल फील कंफर्टेबल दैट आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो बचा चैप्टर फाइव रहेगा एक घंटे पहले उसको उड़ाने का एंड एस को एक बार वापस रिवाइज करने का अभी एस ना फिर से रिवाइज करने का बेनिफिट क्या सुनो मेरा बात अगर आपने दो घंटे भी एस को वापस रिवाइज करने के लिए दी ऑन द डे ऑफ एग्जाम अब हर चैप्टर में से जो हेडिंग्स थे वो और बेटर रिकलेक्ट कर पाओगे लास्ट डे घंटे वापस देना एंड सी द डिफरेंस इन द एग्जाम यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट क्योंकि एक दो रात पहले जो आपने एस पढ़ा होगा वो बहुत जल्दी रिवाइज होगा लिटरलीसा मान के चलिए आपने ऑडिट के बाद जो एस पढ़ा होगा सिक्स आर स्पेंड किया होगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग दो घंटा स्पेंड किया होगा ये आठ घंटे का रिवीजन मुझे दो घंटे में खत्म करना है ऑन द डे ऑफ माय ई आई एग्जाम ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू टू अप्रोच पेपर बेटर ये आपका प्रेपरेशन का अप्रोच होना चाहिए इधर एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने का अप्रोच सिंपल है भाई एमसीक्यू इधर भी सबसे पहले अटेम्प्ट करने का आपको मेरे हिसाब से तो पंद्रह मिनट के रीडिंग टाइम में एमसीक्यू पढ़ने का ही नहीं है सीधा जो बचा सेवेंटी मार्क का पेपर है थर्टी फाइव ई आई एस थर्टी फाइव एस एम वो पेपर पढ़ने का है और मेरा बात मानो एस एम पेपर से शुरुआत करना एसएम पेपर शॉर्ट होता है वन वन लाइन के क्वेश्चन होते हैं कि भाई रिचर्ड रूमलेट का स्ट्रेटेजी ऑडिट का क्राइटेरिया क्या है मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड बेंच मार्किंग का प्रोसेस क्या है मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है बेंच मार्किंग में बीपीआर के लिमिटेशन क्या है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या हैं? वन वन लाइन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो यू रीड देन यू विल डेफिनेटली फील मोर कंफर्टेबल रीड एसएम पेपर फर्स्ट देन रीड दी ईआईएस पेपर वहां थोड़ा के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिखते हैं आंसर में कुछ के स्टडी नहीं होता है आंसर में बेनिफिट ऑफ ईआरपी लिखना होता है बीपीए के स्टेप्स ही लिखने होते हैं बस क्वेश्चन मराएंगे आप कंपनी में एज अ चीफ डायरेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी में सीबीएस अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है स्टेप्स टू अप्लाई सीबीएसई लिखने के हैं आंसर में कुछ रेवोल्यूशनी चेंज नहीं आएगा आंसर मॉड्यूल के हिसाब से ऐसा का ऐसा ही आने वाला है तो सिंपल चीज है पहले एसएम पेपर पढ़ो ए आई पढ़ो डिसीजन मेकिंग कर लो कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है ये अप्रोच रखा यू विल बी सॉर्टेड कंफर्टेबल लग रहा है मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मली रिकमेंडेशन है अब आप पूछोगे पहले ई आई एस सोल्व या एस एम सोल्व करू जो तेरे को बेटर लगता है सोल्व कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग इफ यू बिलीव यू आर मोर कंफर्टेबल विद एस एम क्वेश्चन देख के लग रहा है बेटर आंसर याद आ रहा है एस एम शुरू कर ले क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है नहीं यार ई आई एस के आंसर बेटर लिख पाऊंगा ई आई एस से शुरुआत कर ले पर पहले दोनों के एमसीक्यू खत्म कर ले और एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उड़ा देने का ऑप्शन छोड़ने का ही नहीं ऐसा मत सोच एमसीक्यू एक दो नहीं आ रहा छोड़ देता हूं बाद में अटेम्प्ट कर लूंगा थियरी पेपर में बाद में का स्कोप नहीं है पहले खत्म कर देने का है की बारे में इज क्लियर टू यू दिस इज इट फ्रॉम माई साइड मेरे हिसाब से आपको पूरा एक अप्रोच कैसे ऑडिट ईस एस एम वन एंड हाफ डे में कवर करना चाहिए एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए इसके अलावा यू टू कीप काम अब आप जितना टाइम स्पेंड करोगे वो जो आखिरी के दो दिन होते हैं अभी अगले पंद्रह दिन भी इंपॉर्टेंट है पर आखिरी के दो दिन आपके लिए जो एग्जाम के पहले के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन अ पेपर व्हाट यू यू डू इन दीज नो 15 20 आवर्स आवर्स दैट इज बिफोर द एग्जाम विल प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आपने पहले थोड़ा मस्ती किया है नेग्लिजेंट भी रहे तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ये पेपर आखिरी बीस घंटे के अंदर भी सोलह घंटे के अंदर भी बढ़िया से कवर हो सकते हैं इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ Just once again. Just once again. Okay. वन एंड हाफ डेज पहले क्या रिविजन लेक्चर्स देखनी चाहिए बच्चों का डाउट्स है मैं कुछ रिजॉल्व करता हूँ क्या एग्जाम के डेढ़ दिन पहले रिविजन लेक्चर ऑनेस्टली मेरे हिसाब से अब से आपने कोई लेक्चर वेक्चर अटेंड नहीं करना चाहिए सेल्फ स्टडी करना चाहिए दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल किसी को ऐसा डर है कि मैं अकेले बैठ के पढ़ ही नहीं सकता है कोई सामने बोलता रहे तो अच्छा चलेगा तो बात अलग है अदरवाइज मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी का टाइम है दैट इज गोइंग टू बी रियली रिवॉर्डिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम एक बात बताओ जिंदगी में हर चीज के पहले आपको स्ट्रेस आते रहेगा कोई ना कोई एग्जाम चलते रहेगा लाइफ लाएग में यार मतलब अभी आप इंटरमीडिएट इंटरमीजिएट रहे हो फिर फाइनल का एग्जाम लिखोगे लेट्स से उसके बाद कोई और कोर्स ले करोगे कोई कोर्स परस्यू नहीं करोगे किसी कंपनी में काम करोगे प्रैक्टिस करोगे तो डेडलाइन रहेगा स्ट्रेस तो यार कॉन्स्टेंट है मतलब इट्स नॉट समथिंग यूच यू कैन अवॉइड द ओनली थिंग इज हाउ डू यू टेल यूर ब्रेन दैट इट्स देयर बट

ट नेवर चूज अ शॉर्टकट मेरे हिसाब से ऑलवेज सी द पाथ जस्ट फॉलो दाथ्स इट और प्लीज मेरे हिसाब से इस टाइम पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कोई मोटिवेशन के लिए वगैरह कुछ और फॉलो मत करो जिंदगी में अपने आपके बारे में सोचो जस्ट ट्राई टू इमेजिन वॉट आर यूर फाइव इेन ईयर गोल्स एंड दे विल बिकम अचीवेबल इफ यू वर्क रियली हार्ड ना हो दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मी वही अपने अप्रोच करना चाहिए यार शाल वेक मैराथॉन लिखर टू रिवाइज एवरी चैप्टर फास्ट बेटा वापस से बोल रहा हूँ अब ये कल्चर लास्ट कुछ सालों के अंदर आ गया पहला कोई मैराथन वगैरह का कल्चर इतना ज्यादा नहीं था लोग तब भी पास होते थे लोग तब भी बढ़िया से पढ़ाई करते थे आपको लगता है कोई सामने बात कर रहा है तो मैं बेटर पढ़ पाऊंगा आई एम sure श्योर हर टीचर ने हर सब्जेक्ट के लिए मैराथन यूट्यूब पर डाल के रखा है आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो इंक्लूडिंग मी पर मैं आपको वापस बोलूंगा ये टाइम वो करने का नहीं है ये टाइम खुद से पढ़ाई करने का है जितना बेटर तुम खुद पढ़ पाओगे आज की तारीख में उसका आरवाई एनी डे कोई और अप्रोच बीट नहीं कर सकता है ये मेरा एक्सपीरियंस आज तक का ये बात बोलता है बाकी देखो इंडिविजुअल पर्सन का चॉइस रहेगा मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा चीज चाहे फॉर एग्जाम्पल आप शाम को आईपीएल देख देख यू नो यू स्टार्ट वॉचिंग आईपीएल इज इट गुड यूल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी विद इन यूर तो सिंपल है जब तुमको समझ में आ रहा है तो कुछ गलत कर रहे हो तो सही रास्ता तो खुद पता है वाई टू आस समन एल्स रिमेंबर यू नो कि मैंने दिन में आज दस बारह घंटे पढ़ना चाहिए था मैंने कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं किया है दैट इज ओनली वन वे जो चीज मुझे पसंद है मे बी पिक अ सब्जेक्ट पिक अ चैप्टर वॉट यू लाइक उसके बाद तो तुम्हारा प्रेपरेशन शुरू होना ही चाहिए ना स्टिल तुम ना कर पाओ तो फिर बेटा बहुत मुश्किल है दैट मीनस यू नीड लॉर्ड ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इन लाइफ मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सब्जेक्ट में कुछ भी पसंद नहीं होगा हर सब्जेक्ट में कोई तो चैप्टर पसंद रहेगा यार वहां से शुरुआत किया तब भी यू गेट गोइंग द सीक्रेट इज सिंपल यार यू हैव टू कीप मूविंग इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल यू आर नेवर गोइंग अहेड हाउ टू रिमेंबर टेक्निकल कॉन्सेप्ट ऑफ ई आई एस बेटा सिंपल है हेडिंग्स पढ़ लो बहुत हो गया लास्ट डे अभी कुछ और रिमेम्बर करने का तरीका नहीं है जितना तू मेमोरी टेक्निक बनाएगा उतने में पेपर खत्म हो जाएगा तेरा इट्स ऑलरेडी टू लेट मतलब सर पेपर हंड्रेड मार्क का पूरा अटेम्प्ट करना बेटर है या एटी एटी फाइव का केस ऑफ थियरी पेपर पूरा हंड्रेड मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए इफेक्टिवली वो सिर्फ बेटा होता है केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इन थियोरी घंटा सविश्ड सौ मार्क का लिखने के लिए और पूरा सौ मार्क का लिखने का है। कुछ भी नहीं छोड़ने का मैं बोल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं अननेसेरी पता चला एक दो क्वेश्चन तुमने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया यू एंड अब स्कोरिंग जीरो देयर एंड यू गेट स्टेट थर्टी एट थर्टी नाइन डोंट टेक दैट रिस्क अगर अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा बहुत भी बचा भी इस मार्क का लिखोगे ना यू नेवर नो फोर्टी क्रॉस कर जाओगे एंड समटाइम्स दोज वन और टू मार्क्स कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट दे कैन चेंज द एंटायर रिजल्ट डो नॉट टेक दैट रिस्क

सो आई थिंक दैट सेट हमने मेजर सारे डाउट्स रिजोल्व कर दिए नाउ आई हैव अन अदर लेक्चर एट फाइव फिफ्टीन आई विल हैव टू स्टार्ट दैट आई विल रिक्वेस्ट दी होस्ट एंड को होस्ट टू गाइड मी एंड हाउ टू कंक्लूड द सेशन आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज Yes, you are audible.